नमस्ते, कुक विद नीलम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एगलेस वनीला केक बनाएंगे, तो आइए देखते हैं एगलेस वनीला केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1.5 कप मैदा, 1/2 कप कंडेंस मिल्क, 1/4 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप ऑयल, वनीला एसेंस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 कप दूध। केक टिन में बटर पेपर लगाएंगे और ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। दूध में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे, चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैदा छानेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी छान लेंगे। ओवन को हम 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे। अब बड़े बाउल में ऑयल डालेंगे, पाउडर शुगर डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब कंडेंस मिल्क डालेंगे और विस्कर से अच्छी तरह मिलाते हुए फेंटेंगे। अब 2-3 चम्मच मैदे का मिश्रण डालेंगे और दूध डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम मैदे का मिश्रण थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब बाकी बचा हुआ मैदे का मिश्रण डालेंगे और दूध डालेंगे। अब वनीला एसेंस डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब थोड़ा दूध और मिलाएंगे। उसे मिक्स करते हुए फेंट लेंगे। हमारा बैटर तैयार है, इसे केक टिन में डालेंगे। टैप करेंगे और 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। पैंतीस मिनट हो गए हैं, अब हम केक को चेक करेंगे। हमारा केक तैयार है, इसे ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो गया है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब केक को 2 पीस में काट लेंगे। हमने केक को काट लिया है। अब हम 1.5 कप व्हिप क्रीम को बीट करेंगे। भगोनी के नीचे एक बड़े बर्तन में हमने बर्फ ली है, उसके ऊपर हमने भगोनी रखी है। अब 1/4 कप आइसिंग शुगर मिलाएंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आधा चम्मच वनीला एसेंस मिलाएंगे। हमारी क्रीम तैयार है,
केक के पीस के चारों तरफ हमने बटर पेपर की पतली पट्टियां काट कर लगा ली हैं। 1/4 कप पानी में 2 टेबलस्पून चीनी मिलाकर हमने शुगर सिरप तैयार कर लिया है। इसे केक के ऊपर डालेंगे। चारों तरफ फैलाएंगे। अब क्रीम लगाएंगे। नाइफ से प्लेन करेंगे। अब केक का दूसरा पीस रखेंगे। शुगर सिरप लगाएंगे। ऊपर क्रीम लगाएंगे। साइडों में भी क्रीम लगाएंगे। और नाइफ से प्लेन करेंगे। प्लास्टिक शीट से हम केक को प्लेन करते हुए शेप देंगे। हमने पूरे केक पर अच्छी तरह क्रीम लगा दी है। अब हम बटर पेपर निकाल देंगे। अब हम केक के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से चारों तरफ डिज़ाइन बना लेंगे। हमने केक के चारों तरफ डिज़ाइन बना दी है। अब हम क्रीम में पिंक कलर मिलाएंगे और ओपन स्टार नोजल से इस तरह से साइड में भी डिज़ाइन बना देंगे। हमने केक के चारों तरफ डिज़ाइन बना ली है। अब हम केक को स्प्रिंकल से सजाएंगे। चारों तरफ इस तरह से डालते जाएंगे। हमारा एगलेस केक बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।